फिर से स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री कंसेप्ट में दोस्तों आज के वीडियो में हम फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन की एम सीरीज़ का फिफ्टींथ वीडियो देखेंगे वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें दोस्तों आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो दोस्तों आज के वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे ही बी एस 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 बी एम एग्जाम पेपर से हैं जो कि एक नवंबर 2019 को हुआ था दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है ब्लैंक ब्लैंक इज आल्सो नॉन एज पायरीडॉक्सिन यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं और उस विटामिन का नाम बताना है जो पायरीडॉक्सिन भी कहलाता है ऑप्शन ए विटामिन बी थ्री ऑप्शन बी विटामिन बी सिक्स ऑप्शन सी विटामिन बी टू एंड ऑप्शन डी विटामिन बी वन तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन बी सिक्स दोस्तों अगर आप हमारा विटामिन वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में हमारे लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें दोस्तों अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे पहले हम देखें विटामिन बी वन इसे हम थाइबिन भी कहते हैं इसी तरीके से विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन बी थ्री को नाइसिन बोलते हैं इसी तरीके से विटामिन बी सिक्स को पायरीडॉक्सिन कहते हैं विटामिन बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं विटामिन बी सेवन को बायोटिन कहते हैं विटामिन बी नाइन को फोलिक एसिड भी कहते हैं और विटामिन बी ट्वेल्व जिसके अंदर कोबाल्ट भी रहता है और इसे हम साइनोकोबालिन भी कहते हैं तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है तो साइनो कोबालिन यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू वैक्सीन कंटेनिंग ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीसीज आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ वैक्सीन ऑप्शन ए मिक्सड वैक्सीन ऑप्शन बी यूनिवेलेंट वैक्सीन ऑप्शन सी सिंपल वैक्सीन एंड ऑप्शन डी पोलीवेलेंट वैक्सीन तो दोस्तों इस इस तरीके के वैक्सीन को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि यूनिवेलेंट वैक्सीन दोस्तों अगर हम बात करें वैक्सीन के बारे में तो इट मे बी मोनोवेलेंट और पोलीवेलेंट दोस्तों मोनोवेलेंट को ही यूनिवेलेंट भी कहा जाता है ए मोनोवेलेंट वैक्सीन कंटेन ए सिंगल स्ट्रेन ऑफ ए सिंगल एंटीजन जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो, तो यूनिवेलेंट या फिर मोनोवेलेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल रहेगा मीजल्स वैक्सीन इसी तरीके से अगर हम बात करें पोलीवेलेंट वैक्सीन की तो ये पोलिवेलेंट वैक्सीन कंटेन टू और मोर स्ट्रेन और सीरो ऑफ द सेम एंटीजन जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जो कि पोलीवेलेंट होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द होल्जर नील्सन मेथड यूटिलाइज इनमें से कौन सी एक कंडीशन जिसके अंदर होल्जर नील्सन मेथड को काम में लिया जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी फार्मासिस्ट एग्जाम में ही पूछा गया था और ये बेसिकली नर्सिंग से रिलेटेड है ऑप्शन ए एसफाइक्शिया ऑप्शन बी एनोरेक्सिया ऑप्शन सी डिस्प्लेसिया एंड ऑप्शन डी हाइपरीमिया तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि एस्फाइक्शिया दोस्तों एस्पाइक्सिया का मतलब हो गया कि रेस्पायरेशन की रेट का कम हो जाना दोस्तों इस समय में हमें आर्टिफिशियल रेस्पायरेटरी मेथड यूज़ में लेना पड़ता है और जनरली अगर हम आर्टिफिशियल रेस्पायरेटरी मेथड के टाइप देखें तो इसमें होल्जर निसन मेथड सेफर्स मेथड और सिल्वर स्टीन मेथड को काम में लिया जाता है दोस्तों होल्जर निसन मेथड के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं ए बी सी और डी इसमें जो डायग्राम में दे रखे हैं इसी तरीके से पेशेंट को लेटा के उसके अंदर रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट किया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच रूल इज यूटिलाइज फॉर एस्टिमेटिंग पीरियटिक डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन स्पेसिफिकली फ्रॉम वन टू टू ईयर्स दोस्तों इनमें से कौन सा एक पीडिटिक डोज कैलकुलेशन का मेथड है जो कि एक से दो साल के बच्चों के लिए स्पेशली यूज में लिया जाता है ऑप्शन ए क्लाक्स रूल, ऑप्शन बी फ्राइड्स रूल, ऑप्शन सी यंग्स रूल एंड ऑप्शन डी कॉलिंग रूल तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर अच्छा रहेगा ऑप्शन सी यानी कि यंग्स रूल अगर हम डोज कैलकुलेशन के, के अलग अलग फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इस तरीके से रहेंगे फ्राइड रूल का मतलब हो गया चाइल्ड डोजेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एज इन मंथ्स अपॉन अपॉन वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज इसी तरीके से यंग्स रूल के अंदर चाइल्ड डोज की कैलकुलेशन की जाती है एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स अपॉन एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज क्लार्क रूल रिलेटेड वाला वीडियोस भी देखना चाहते हैं जिसमें आप उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वाट टाइप ऑफ एफिथेलिमस प्रजेंट इन दंसा ऑफ ह्यूमन आई ह्यूमन आई की कंसक्टाइवा में किस तरीके का एपिथेलियम प्रजेंट रहेगा ऑप्शन ए नॉन क्रिएटिनाइजड स्टेटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन सी क्रेटिनाइज ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड ऑप्शन डी करेटेनाइज स्टेटिफाइड एपिथेलियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि नॉन करेटिनाइज स्टेटिफाइड एफीथीलियम दोस्तों अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एपीथीलियम और उनकी लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिशनल एपीथीलियम जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जनरली यूरिनरी ब्लेडर यूटेरस और यूरेथ्रा में प्रेजेंट रहते हैं इसी तरीके से करेटिनाइज स्टेटिफाइड एपीथीलियम स्किन के अंदर पाए जाते हैं एपिडर्मिस ऑफ पार्म ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट पर पाए जाते हैं और मेस्टिकेटरी म्यू के भी पाए जाते हैं इसी तरीके से सिंपल स्क्वेमस एथफीथिलियम की बात करें तो ये एड सेक्स ऑफ लंग्स लाइनिंग ऑफ हार्ट ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड परजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाई इनमें से कौन सी एक सेल है जो कि एस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस्ट्रिक जूस में सीक्रेट करती है ऑप्शन ए पेराइटल सेल्स ऑप्शन बी म्यूकस सेल्स ऑप्शन सी चीफ सेल्स एंड ऑप्शन डी जी सेल्स तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि पेराइटल सेल्स दोस्तों अगर हम पेराइटल सेल्स की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है ओग्जेंटिक सेल्स यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट्स सीक्रेट एस सी एल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर दोस्तों जो ये इंट्रेंसिक फैक्टर स्टोमक के अंदर सीक्रेट आउट होता है यही विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्बन में काम में आता है और अगर इंट्रेंसिक फैक्टर की डेफिशियंसी हो जाती है तो ये भी एनीमिया काउज कर सकता है इसी तरीके से नेक्स्ट देखें हम म्यूकस सेल्स के बारे में तो एल्कलाइन म्यूकस डेट प्रोटेक्ट द एफिथीलियम अगेंस्ट शीयर स्टेंट्स एंड एसिड कैन बी सीक्रेटेड बाई म्यूकस सेल्स अगर हम बात करें चीप सेल्स के बारे में तो इट्स सीक्रेट पेप्सिन और पेप्सिन एक प्रकार का आपका प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में काम आता है इसी तरीके से जी सेल्स आपका गैस्ट्रिन को सीक्रेट आउट करता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वाट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर एंड्रोजन्स इनमें से किस तरीके के हारमोन एंड्रोजन्स भी कहलाते हैं ऑप्शन ए ग्लूकोकोटिकोड ऑप्शन बी सेक्स हारमोन ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन एंड ऑप्शन डी मिनरलो पोर्टिकोइड तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि सेक्स हार्मोन दोस्तों अगर हम एंड्रोजेंस के बारे में बात करें तो दीज आर ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स दैट गिव्स मेन देयर मेल करेक्टरिस्टिक्स दोस्तों द मेजर सेक्स हार्मोन इन मेन इज टेस्टोस्टेरोन एंड विच इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन द टेस्टीज अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ़ द फोलोइंग इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल देट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें से कौन सी एक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को इन्फेक्शन करने वाली वायरल डिजीज है जो कि सी एन एस को भी इफेक्ट करती है ऑप्शन ए कोलेरा ऑप्शन बी टाइफाइड ऑप्शन सी पोलियो एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि पोलियो दोस्तों अगर हम बात करें इनके बारे में तो Cholera is an acute diarrheal illness caused by infection of the intestine with Vibrio cholera bacteria. Typhoid is an illness caused by infection with a specific bacteria called Salmonella typhi. And typhoid is Salmonella typhi. It has its origins in humans. नॉट एनिमल्स इट इज़ फाउंड इन द फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस एंड स्प्रेड्स टू अदर थ्रू फिकल कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर यानी जो टाइफाइड होता है वो तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सालमोनला टाइफी से होता है कोलेरा भी आपका एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो विप्रियो कोलेरा से होता है और जो पोलियो होता है वह आपका वायरल इन्फेक्शन है और पोलियो जिसे हम पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं इट इज़ ए डिस एबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बाई द पोलियो वायरस जिसके अंदर पहले तो एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन होता है और बाद में जब ये सी को इफेक्ट करता है तो पेशेंट का पाँव काम करना बंद कर देता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द डिजीज कंडीशन ऑफ हाइपो यूरिशीमिया इज एसोसिएटेड विद द डेफिशंसी ऑफ विच एंजाइम ऑप्शन ए प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम ऑप्शन बी जेंथिन ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम ऑप्शन सी ग्लूकोज सिक्स फोस्पेटेज एंजाइम एंड ऑप्शन डी डाइहाइड्रोपिरीडीन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि जैनथिन ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में तो जोनथिन एक्सीडोरिडक्टेज जिसे हम एक्स ओ आर भी कहते हैं एक प्रकार का क्रिटिकल एंजाइम है एंड इट कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइपोजेंथिन टू जेंथीन टू तो तो यूरिक एसिड विथ आर ओ एस प्रोडक्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मैनी पेराइटल बॉन्स इन द करेनियम करेनियम के अंदर कितनी पेराइटल्स बोन होती है ऑप्शन ए फोर बॉन्स ऑप्शन बी वन बोन ऑप्शन सी टू बोन एंड ऑप्शन डी थ्री बोन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि टू बोन्स। अगर हम क्रेनियल बोन की बात करें तो टोटल तो एट क्रेनियल बोन्स होती है और इसके अंदर एक इथनोइड बोन होती है एक स्पिनोइड बोन होती है एक फ्रंटल बोन होती है दो पेराइटल बोन होती है दो टेम्पोरल बोन होती है और एक ऑसिपिटल बोन होती है तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पेराइटल बोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि टू पेराइटल्स बोन्स तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का एंड द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन्कोजेनिक वायरस इनमें से कौन सा एक ऑन्कोजेनिक वायरस है यानी कैंसर कॉजिंग वायरस है ऑप्शन ए पोलियोमाइलिटिस वायरस ऑप्शन बी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ऑप्शन सी वेरिसोला जोस्टर वायरस एंड ऑप्शन डी हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलते रहें एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक, तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स